सो पिछला जो वीडियो था यहाँ पे कट हो गया था, तो लाइट जस्ट कंटिन्यू। ये जो सी है वो एज इट इज बाहर निकल गया, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x² तो ऐसा आ जाएगा, विच इज नथिंग बट -c अपॉन x²। इसका मतलब सी हमें मिलेगा, x² को वहां पे लेके जाएंगे और माइनस साइन भी वहां पे दे देंगे, तो सी बचेगा, x² ऊपर आ जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये मिल रहा है। और फिर ये जो सी का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसे इक्वेशन 1 बुला के, और आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर के जगह पे ये चीज का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये चीज का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव साइन निकल जाएगा, x^4 dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स के जगह पे ये चीज अपॉन एक्स। तो एक तो माइनस साइन, x² dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये एक्स भी कट हो गया एक एक्स के साथ, तो हमारा आंसर है y इज इक्वल टू x^4 dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप खुद ट्राई करेंगे, 5th और 6th आपको खुद ट्राई करना है, ये और ये छोड़ देना है, जी और एच हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और बाकी के सम्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल दिस, 1st से लेके 6th सम्स तक करना है, और 7th 8th करना ही नहीं है अपने को, और उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, ये पूरा होमवर्क करके आपको कंप्लीट करना है।